वैसे आपकी बातें सुन के इतना तो पता चल रहा है कि आपने बहुत लेक्चर्स बंक किए और कॉलेज लाइफ में बहुत मस्ती काटी है ना। पूछो मत मैंने क्या क्या किया है। अगर मैं अपने किस्से सुनाने बैठ गया ना तो आज की रात जैसी पता नहीं और कितनी रात निकल जाएगी अपने किस्से सुनाने में। द लेजेंड ऑफ V2S। V2S? विराट सदासानी। नॉट बैड मिर्ची, नॉट बैड। थैंक यू। वो भी क्या दिन थे। मतलब हर एक दिन एक नया एडवेंचर होता था। तब जिन बातों को सोचकर डर लगता था ना, आज उन्हीं बातों को याद करके हंसी आ जाती है। और तब जो हंसी के पल हमने बिताए थे ना, उन्हीं पल को याद करके आंखें नम हो जाती है। आपने तो अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत मस्ती काटी है। आपको पता है मेरी स्कूल लाइफ में तो ना मेरा कभी कोई इतना अच्छा दोस्त बना ही नहीं। मेरे तो एक ही लौते दोस्त थे, आबा। और पता है आबा क्या कहते थे? आबा कहते थे कि वो मेरे चिराग वाले जिन और मैं उनकी आका। और मैं उनसे कोई भी फरमाइश करूंगी ना, वो एक ही बात कहते थे, जो हुक्म मेरे आका। पर ये तो मुझे पता है कि कमल सर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देते। आपको पता है एक बार मैंने आबा से कहा कि मुझे आपकी जीप चलानी है। पुलिस जीप? क्या बात कर रही हो? फिर क्या, आबा मुझे लेके गए और अपनी जीप में बिठा दिया और चलवाई। वो मेरा फर्स्ट ड्राइविंग लेसन था। और जैसे ही मैंने स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखा ना, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा था। बस उस दिन मैंने आबा से कह दिया कि आबा मुझे ड्राइविंग सीखनी है। और आबा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब हम नागपुर आएंगे ना, तब वो मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे। कमाल है सही। ये बात तुमने मुझे कभी बताई क्यों नहीं? अरे आबा और मेरी इतनी याद है ना कि हम दोनों बुढ़े हो जाएंगे ना, तब भी मैं आपको एकदम फ्रेश किस्से सुनाया करूंगी। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बुढ़े होने तक? इसका मतलब तुम मेरे साथ बुढ़ापे तक रहोगी? सॉरी। अच्छा चलो, इसी बात पर एक टोस्ट हो जाए। तुम्हारे आबा मेरे गुरु कमल सर के नाम। चीयर्स। एक और कप मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, मैं अभी आई। क्या? मैं बस अभी आया। लेकिन तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? अब तुम ऐसे विराट के पास क्यों जा रही थी? वो मैं विराट के पास नहीं जा रही थी सम्राट, मैं तो बस बाहर थोड़ी हवा खाने आई थी। वो मुझे आजकल रात में नींद नहीं आ रही ना, इसलिए। मतलब तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? वो मैंने एक बुरा सपना देखा था, तो बस तब से थोड़ा परेशान रहने लगी हूँ। ऐसा क्या सपना देख लिया तुमने? आई मीन अगर तुम्हें शेयर करने में कोई परेशानी ना हो तो। वो मैंने कुछ दिनों पहले सपना देखा था कि उसमें तुम एक मिशन पर गए हो और तुम्हें गोली लग गई है। बहुत
अजीब सपना नहीं देखा तुमने? वो कहते हैं कि आप जिस बारे में सोचते हैं आप वही सपना देखते हैं, तो तुम ऐसा क्या सोच रही थी? मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं सम्राट, लेकिन हाँ पिछले साल तुम ऐसे अचानक बिना बताए चले गए थे और वापस नहीं लौटे, और इस बार भी तुम ऐसे अचानक चले गए तो मुझे वो सब फिर से याद आने लगा और मैं डर गई थी कि शायद तुम इस बार भी लौट के आऊंगा या नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो, वरना तुम्हें मेरा सपना क्यों आता? सम्राट दादा, पाखी दीदी को आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, मुझसे पूछिए आपको कितना मिस कर रही थी, मुझे पता है। अच्छा तो बता दो कितना मिस कर रही थी। बहुत। उनको आपके बारे में बुरा सपना भी आया था जिससे वो एकदम घबरा गई थी। हाँ मुझे बताया पत्रलेखा ने। लेकिन उस बुरे सपने से ना एक चीज अच्छी हुई, हम दोनों की बॉन्डिंग हो गई। पाखी दीदी उस रात मेरे कमरे में आके सोई थी। जीवा तू कब वापस आया? जब तूने देखा तब। अच्छा तेरे ये ऑर्फनेज का मैटर सॉर्ट आउट हो गया ना? हाँ हो गया। यार तू आ रहा है, तूने मुझे बताया नहीं, मैं तुझे लेने आ जाता। हाँ मैंने सोचा कि तुझे इतनी लेट नाइट डिस्टर्ब क्यों करूँ, तो मैं कैब लेके आ गया। यहाँ आया तो टेरेस पे इतनी सारी लाइट्स देखी, मुझे लगा कि कोई पार्टी शार्टी चल रही होगी। पार्टी नहीं हो रही थी, वो एक्चुअली मेरे रीएडमिशन का लेटर आ गया। कांग्रेचुलेशन सही। थैंक यू दादा। तो बस उसी खुशी में मैं और मुदे टेरेस पर ग्रीन टी पी रहे थे। ग्रीन टी पी रहे थे या फिर सेलिब्रेट कर रहे थे? अब मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी गुड न्यूज है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना? हाँ सेलिब्रेशन तो बनता है। अब आप दोनों भी आ गए तो क्यों ना चारों मिलके ग्रीन टी पी के सेलिब्रेट करते हैं। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी पत्रलेखा को ग्रीन टी बहुत पसंद है, तो इसी बहाने हम डबल डेट कर लेते। सम्राट मेरा मन नहीं है, मैं जाके सोती हूँ। पर तुम ये भी कह रही थी ना कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी इसलिए तुम टेरेस पे आई थी। सम्राट अब तुम सही सलामत वापस आ गए हो तो अब मुझे नींद आ जाएगी। गुड नाइट विराट। गुड नाइट सई। तो चलो मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट सई। गुड नाइट शिवा। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर मोदक, आपकी ग्रीन टी। चलिए भाई कैफे बंद करने का वक्त आ गया, शेफ को भी नींद आती है भाई। नींद? अच्छा ठीक है नींद नहीं आ रही है, लेकिन मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। क्यों? अभी तो तुम्हारा कॉलेज भी बंद है ना? हाँ अभी तुम्हारे कॉलेज में दिवाली की छुट्टियां चल रही होंगी ना? हाँ मेरी दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता मुझे कल सुबह कुछ जरूरी काम करना है। अब कौन सी नई खिचड़ी पका रही है ये?